अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही बनेगा। ये बात महज एक फिल्मी डायलॉग नहीं रह गई, बल्कि अब हकीकत में भी चरितार्थ होती नजर आ रही है, और इसे चरितार्थ कर रहे हैं बहराइच के कल्याण सिंह मौर्य। दरअसल एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस सपने को साकार कर दिखाया एक ड्राइवर के बेटे ने। लखनऊ के पास स्थित बहराइच जिले के जिलाधिकारी के ड्राइवर जवाहरलाल मौर्य के बेटे ने अपने हौसलों के दम पर सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ, तो हर कोई अब यही कहता नजर आ रहा है। बता दें कि जवाहरलाल का बड़ा बेटा संजय सिंह मौर्य NIT प्रयागराज से बीटेक कर वर्तमान में मल्टीनेशनल कंपनी एसेंचर में चीफ इंजीनियर है। वहीं अब छोटे बेटे कल्याण सिंह मौर्य UPPCS रिजल्ट में 40वीं रैंक हासिल कर SDM बन गया है। अपने बच्चे की सफलता की कहानी बताकर भावुक हुए जवाहरलाल कहते हैं, मेरी पत्नी का मेरे बेटों की सफलता में सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन आज वो इस खुशी को देखने के लिए मौजूद नहीं है। मैं तो ड्राइवर हूँ, पूरा समय ड्यूटी पर रहता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी बच्चों को सबसे ज्यादा समय देती थी, गाइड करती थी, लेकिन उसकी किस्मत में खुशी देखना नहीं था। उनकी 5 साल पहले मृत्यु हो चुकी है, लेकिन ये सब प्रेरणा उसी की है। जवाहरलाल आगे बताते हैं कि 35 साल की अपनी नौकरी में साहब के साथ रहते हुए अपने बच्चों को भी वैसा ही बनने की प्रेरणा देता रहा, और मेरे बेटों ने भी उसी तरह पढ़ाई की, और आज छोटा बेटा SDM बन गया है। अपने वाहन चालक के बेटे की सफलता के बाद बहराइच के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह ने ड्राइवर जवाहरलाल को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट के अन्य कर्मचारियों को भी इससे प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने बताया कि भारतीय लोकतंत्र में कोई भी किसी पद को अपनी प्रतिभा के दम पर प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वो उसके प्रति निष्ठावान हो। बता दें कि बहराइच जिले के फखरपुर विकास खंड के केतारपुर तखवा निवासी जवाहरलाल मौर्य पिछले 35 सालों से बहराइच जिलाधिकारी के वाहन चालक पद पर कार्यरत हैं। इनके परिवार में 2 बेटे संजय सिंह मौर्य और कल्याण सिंह मौर्य हैं, वहीं बेटियों में श्रेया व प्रिया मौर्य हैं। जवाहरलाल मौर्य की पत्नी की विगत 5 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। जवाहरलाल मौर्य ने अपने बेटों और बेटियों की शिक्षा में कोई कमी नहीं रखी। शायद यही वजह है कि जहां इनका बड़ा बेटा संजय सिंह मौर्य NIT प्रयागराज से बीटेक कर सबसे पहले मल्टीनेशनल कंपनी में इंफोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर चयनित हुआ, और आज वर्तमान में इंफोसिस छोड़कर मल्टीनेशनल कंपनी एसेंचर में चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत है, तो दूसरे बेटे ने सफलता की नई इबारत लिखते हुए अपने पिता जवाहरलाल मौर्य के उस सपने को साकार कर दिखाया जो उन्होंने अपने DM साहब की ड्राइवर सीट पर बैठकर देखा था। ये सपना था कि एक ना एक दिन उनका बेटा भी साहब वाली सीट पर बैठेगा, और आज उनके छोटे बेटे कल्याण सिंह ने उनके सपने को साकार कर दिखाया। कल्याण सिंह मौर्य को UPPCS में 40वीं रैंक हासिल हुई है। उनके पिता के मुताबिक कल्याण की भी प्रारंभिक शिक्षा बहराइच के नानपारा में हुई, और इंटरमीडिएट की पढ़ाई बहराइच के सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कॉलेज से पूरी की। BSc बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पूरी करने के बाद कल्याण सिंह मौर्य का केमिस्ट्री से MSc करने के लिए एडमिशन IIT दिल्ली में हो गया। वर्तमान में वो भी NTPC सोलापुर महाराष्ट्र में सहायक प्रबंधक पद पर तैनात हैं। लेकिन बेटे की सफलता पर उनके चालक पिता जवाहरलाल बेहद ही खुश नजर आते हैं। वो अपने मोबाइल में 2021 के UPSC का रिजल्ट दिखाते हुए बताते हैं कि उनका बेटा IAS के इंटरव्यू देने के बाद महज 5 नंबर कम होने के चलते सिलेक्ट नहीं हो सका। जवाहरलाल मौर्य ने अपने बेटों के साथ बेटियों की भी पढ़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनकी दोनों बेटियां पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर अपने भाइयों के रास्ते कदम पर चलते हुए UPSC की तैयारी में जुटी हैं। जवाहरलाल के बेटे की सफलता पर बहराइच का पूरा कलेक्ट्रेट खुशियां मना रहा है। उनके साथ ही ड्राइवर सुरेश सिंह बताते हैं कि आज के मौके के बाद वो लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि कोई चाहे चपरासी क्यों ना हो, अपने बच्चे को पढ़ाने में कोई कसर न छोड़े। तो आप भी इस प्रेरणादायक कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।